हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पार्ट टू। पिछली वीडियो में आपने स्टडी किया था कि सॉइल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं, और उस वीडियो में हमने एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल के बारे में स्टडी की थी। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल्स और फॉरेस्ट सॉइल्स की। शुरुआत करते हैं रेड एंड येलो सॉइल से। ये सॉइल ज़्यादातर उन एरियाज में डेवलप होती हैं जहाँ पर जो रॉक्स हैं वो इग्नियस हों, और साथ में जो रेनफॉल है वो भी कम होनी चाहिए। किन एरिया में ऐसी सॉइल डेवलप करती हैं? ज़्यादातर जो सदर्न, जो डेक्कन प्लेटू का सदर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर इस टाइप की सॉइल्स देखने को मिलती हैं। अगर सॉइल्स में पानी की कमी है तो कलर हमें रेड दिखाई देगा, और यदि वहाँ पर सॉइल्स के अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा आ जाता है पीछे से रेनफॉल के टाइम में, तो जो सॉइल है उसका कलर येलो हो जाता है। इसी चीज को हम स्टडी करते हैं। रेड एंड येलो सॉइल्स डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, यानी कि जो रॉक्स है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस होने चाहिए और जो रेनफॉल है वो लो होनी चाहिए। किन किन रीजन के अंदर इस टाइप की सॉइल्स हमें देखने को मिलती है? ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन्स, यानी कि जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो सेंटर वाला पार्ट है जहां पर दोनों स्टेट्स मिलती हैं, या यूं कहें जहां बुंदेलखंड और बघेलखंड एरिया टच होते हैं, वहां पर इस टाइप की सॉइल देखने को मिलती है। इसके अलावा पिडमोंट जोन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। पिडमोंट जोन्स क्या होते हैं? जहाँ पर माउंटेन से रिवर प्लेन एरिया में आती है तो वहाँ पर एक एलिवियल फैन का निर्माण करती है, एलिवियल फैन को बनाती है, उस एरिया को पिडमोंट जोन बोलते हैं। वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न साइड्स है जहाँ पर हमें काफ़ी पिडमोंट प्लेन्स देखने को मिलती हैं, वहाँ पर इस टाइप की रेड और येलो सॉइल्स देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कलर, जो रेड और येलो सॉइल है वो कैसी दिखती है, क्यों बनती है? कलर बनता है डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। डिफ्यूजन का मतलब होता है जब आयरन रिएक्शन करके उस सॉयल के अंदर अब मिक्सअप होता है, तो उसको हम डिफ्यूजन ऑफ आयरन बोलते हैं। इसकी वजह से जो कलर है वो रेड दिखाई देगा, और यदि उस टाइप के सॉयल के अंदर पानी आ जाता है कहीं से, तो सॉयल हमें येलो कलर की दिखनी शुरू हो जाती है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। अब बात करते हैं लेटराइट सॉयल की। लैटिन वर्ड लेटर से लेटराइट वर्ड डेराइव होता है। लेटराइट का मतलब ब्रिक है, कहने का मतलब इस सॉइल का भी जो कलर है वो कुछ कुछ रेड टाइप में ब्रिक टाइप का जो कलर है, इसीलिए हम लेटराइट सॉइल बोलते हैं। ये सॉइल किन एरियाज में पाई जाती है? जहां पर एक बार बारिश आए, फिर कुछ टाइम सूखा रहे, फिर बारिश आए, यानी कि ऑल्टरनेट स्पेल्स ऑफ वेट एंड ड्राई सीजन्स के आते हैं, वहां पर लेटराइट सॉइल डेवलप होती है। इस सॉइल की खास बात ये होती है जब बारिश आती है तो सारा पानी फटाफट अंडरग्राउंड वाटर में जाकर मिल जाता है, क्योंकि ये सॉइल काफ़ी पोरस होती है, इसके जो ग्रेन्स हैं काफ़ी बड़े बड़े और मोटे मोटे होते हैं, पानी को फटाफट अंडरग्राउंड वाटर में मिलने के लिए अलाउ कर देते हैं। और साथ में हम देखते हैं अगर इस सॉइल को अच्छे से कंजर्व किया जाए तो ये सॉइल काफ़ी फर्टाइल बन सकती है। जनरली इस सॉइल के अंदर ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस होता क्या है? जितना भी प्लांट और एनिमल्स जब डेड होती हैं वो डीके होना शुरू हो जाते हैं, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। जो डिकम्पोज मटेरियल होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, उसको ह्यूमस बोलते हैं। इस टाइप के सॉइल में ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन इस सॉइल को यदि अच्छे से कंजर्व किया जाए तो ये सॉइल काफ़ी फर्टाइल बन जाती है। हम कुछ स्टेट्स देखते हैं जहाँ पर इस सॉइल को कंजर्व करके काफ़ी फर्टाइल बना लिया लोगों ने, और फार्मर्स अच्छे से एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो देखते हैं लेटराइट सॉइल क्या होती है। लैटिन वर्ड लेटर से बना होता है, इसका मतलब ब्रिक होता है। क्लाइमेटिक रीजन, किस किस एरिया में इस टाइप की सॉइल देखने को मिलती है? इस टाइप की सॉइल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप का जो क्लाइमेट है, विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई स्पेल, एक बार बारिश आई गीला हुआ फिर सूखा हो जाता है, इस टाइप का जो एरिया होता है वहां पर लेटराइट सॉइल्स ज्यादा देखने को मिलती है। लीचिंग, लीचिंग का मतलब क्या होता है? जब बारिश का पानी फटाफट जमीन के अंदर रिसना शुरू हो जाता है, नीचे जाना शुरू होता है, उसको हम लीचिंग बोलते हैं।
इस एरिया के अंदर जहां पर लेटराइट सोयल बनती है वहां पर लीचिंग इंटेंस यानी कि बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू हैवी रेन। अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ द सोयल। डेप्थ ऑफ द सोयल का मतलब है जो सोयल है उसकी थिकनेस कितनी है। जनरली देखा जाए तो जो लेटराइट सोयल होती है उसकी थिकनेस काफी ज्यादा होती है, मोस्टली डीप टू वेरी डीप, यानी कि थिकनेस काफी है। केमिकल नेचर यानी कि किस टाइप का है जो लेटराइट सोयल होती है, ये एसिडिक इन नेचर होती है। एसिडिक का मतलब इसके अंदर फर्टिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स और यहाँ पर ह्यूमस की काफी कमी देखने को मिलती है लेटराइट सोयल्स के अंदर। रीजन किन किन एरिया के अंदर लेटराइट सोयल इंडिया में पाई जाती है, सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, ओडिशा, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पर लेटराइट सोयल ज्यादा देखने को मिलती है। ह्यूमस की बात करें अकॉर्डिंग टू वेजिटेशन, अगर वहां पर फॉरेस्ट कवर अच्छा है तो ह्यूमस ठीक मिलेगा, अगर फॉरेस्ट कवर नहीं है तो ह्यूमस कम देखने को मिलता है। प्रोन टू इरोजन, ज्यादातर जो लेटराइट सोयल है उसके इरोजन होने के खतरे बने रहते हैं, यानी कि ये जो सोयल होती है वो अच्छे से पैक नहीं होती। अगर हल्की फुल्की बारिश आती है और वेजिटेशन कवर नहीं है तो ये सोयल पानी के साथ इजीली रिमूव हो जाती है, बह जाती है। एंड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब काफी जमीन में खड्डे बन जाते हैं इरोजन के बाद, बट आफ्टर सोयल कंजर्वेशन, यदि इस सोयल को अच्छे से कंजर्व किया जाए टेक्निक लगाकर तो इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, जैसा कि स्टेट केरला ने किया, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन स्टेट्स के अंदर जो लेटराइट सोयल थी उस एरिया को अच्छे से डेवलप करके फार्मर्स ने कैशूनट्स, टी, स्पाइसेस, कॉफी, कोकोनट, रबर, ये इस टाइप की प्लांटेशन शुरू कर दी। इसके अलावा जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर जो लेटराइट सोयल पाई जाती थी उसको अच्छे से कंजर्व करके फार्मर्स ने टी, पाइनएप्पल एक्सेट्रा ग्रो करने शुरू कर दिए। अब अगली सोयल को देखते हैं, एरिड सोयल। एरिड सोयल की कलर की बात करें तो ये रेडिश या ब्राउनिश टाइप की होती है। एरिड सोयल जैसा कि नाम से लगता है जिस एरिया के अंदर पानी की कमी होती है वहां पर जो सोयल पाई जाती है उसको हम एरिड सोयल बोलते हैं। जनरली इस टाइप की सोयल राजस्थान में पाई जाती है। एरिड सोयल की यदि खुदाई की जाए, जब नीचे देखते हैं जो नीचे वाली लेयर्स हैं वहां पर कैल्शियम की रॉक्स पाई जाती हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में कंकर कहा जाता है। पिछली वीडियो में भी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया गया था। और ये जो कंकर वाली जो लेयर आती है ये पानी को, यानी कि ऊपर बारिश होती है तो अपर सरफेस का वाटर नीचे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाता, क्योंकि जो कंकर वाली लेयर होती है ये पानी को अलाउ नहीं करती नीचे अंडरग्राउंड वाटर में जाने के लिए। अब इसी को देखते हैं एरिड सोयल्स क्या है। कलर की बात की जाए तो ये रेड और ब्राउन टाइप की दिखने में लगती है। टेक्सचर की बात की जाए यानी कि इसके ग्रेन्स है कैसे हैं तो इसके ग्रेन्स सैंडी होते हैं। नेचर की बात की जाए जैसा कि हमने पिछली इसके अंदर देखा था, जहां पर भी सोयल में पानी ज्यादा होता है या ठीक ठीक पानी होता है वहां पर जो सोयल का नेचर एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब उसकी फर्टिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, और सेलाइन का मतलब होता है उसके अंदर एल्कलिनिटी या सेलिनिटी ज्यादा देखने को मिलती है। तो जो एरिड सोयल होते हैं जिन एरिया के अंदर पानी की कमी होती है वहां पर जो सोयल है वो नेचर में सेलाइन बन जाती है। सेलाइन बनने का कारण क्या है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड हाई इवेपोरेशन, ज्यादा टेम्परेचर होता है और इसकी वजह से इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है और वहां पर जो सोयल है उसके अंदर वेजिटेशन कवर कम देखने को मिलता है। जब वेजिटेशन कवर नहीं होगा तो उसका डिकम्पोजिशन भी कम देखने को मिलेगा, इसी वजह से वहां पर ह्यूमस नहीं देखने को मिलते। अब बात करते हैं अगर जमीन की खुदाई की जाए लोअर होराइजन ऑफ द सोयल, इसका क्या मतलब होता है। अगर हम थोड़ी जमीन की खुदाई करें तो नीचे जो लेयर आती है सोयल की उसके अंदर कैल्शियम रॉक्स ज्यादा देखने को मिलती है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कंकर बोलते हैं। और ये जो ये वाली जो लेयर होती है नीचे वाली जिसमें कंकर ज्यादा होते हैं रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, यानी कि अपर सरफेस में यदि बारिश आती है तो उस पानी को अंडरग्राउंड वाटर में मिलने से ये वाली लेयर रोकती है। सांभर लेक, राजस्थान में एक लेक है सांभर, वहां का जो पानी है काफी सेलाइन है, उस पानी को बाहर निकालकर खुली ओपन जमीन के ऊपर छोड़ देते हैं, पानी इवेपोरेट हो जाता है, पीछे लार्ज अमाउंट में साल्ट बचता है और उस सॉल्ट को हम सेल करते हैं मार्केट में, एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट देखने को मिलता है इस टाइप के एरियाज के अंदर।
अब बात की जाए इरिगेशन की जाती है ऐसी सॉइल की, तो हम उस सॉइल के अंदर अच्छी क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं, जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान में किया गया। यहाँ पर ग्राउंडनट, ज्वार, बाजरा, सनफ्लावर, मस्टर्ड एक्सेट्रा की कल्टीवेशन की जाती है। अब हम लास्ट में देखते हैं कौन सी सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल। नाम से लगता है जो सॉइल फॉरेस्ट से डेवलप होती है, और इंडिया में जो ज्यादातर फॉरेस्ट है वो केवल माउंटेनियस एरियाज में ही देखने को मिलते हैं। फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, यानी कि माउंटेन्स में जहां पर सफिशियंट अमाउंट में अगर फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं एक टाइप की जो सॉइल डेवलप होती है जिसको हम फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। टेक्सचर की बात की जाए तो यहाँ पर जो सॉइल है उसका टेक्सचर कैसा रहता है, माउंटेन एनवायरनमेंट के अंदर होती है, इसीलिए यहाँ की जो टेक्सचर है मिट्टी लोमी और सिल्टी इन लोअर कोर्सेज, यानी कि कोई भी रिवर है, कोई भी स्ट्रीम है, उसके नीचे वाले पार्ट के अंदर जो सॉइल है वो लोमी और सिल्टी देखने को मिलती है। और अगर ऊपर वाले एरियाज की बात की जाए, जैसे जैसे हम माउंटेन्स की तरफ बढ़ते हैं रिवर कोर्स के अंदर, तो हम देखते हैं जो सैंड पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल के पार्टिकल हैं, वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, जिसको हम कोर्स ग्रेन बोलते हैं। इसके अलावा नेचर की बात की जाए, जहाँ पर भी सॉइल को पानी मिलेगा वहाँ पर जो सॉइल है उसका नेचर एसिडिक बन जाता है। एसिडिक एंड लो ह्यूमस कंटेंट फॉरेस्ट सॉइल के अंदर जो एसिडिक नेचर है और ह्यूमस कम देखने को मिलता है। कम देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि हर साल जब बारिश आती है जितना भी ह्यूमस इकट्ठा होता है हर साल पानी के साथ बह जाता है। अब फर्टिलिटी की बात करें तो जो फॉरेस्ट सॉइल होती है काफ़ी फर्टाइल होती है, वेरी फर्टाइल इन लोअर कोर्सेज। फॉरेस्ट सॉइल्स के अंदर किस टाइप की क्रॉप्स को फार्मर ज़्यादा कल्टिवेट करते हैं, वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, पैडी, शुगर केन, व्हीट एक्सेट्रा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल्स के बारे में जाना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, हाउ कैन वी कंजर्व द सॉइल्स ऑफ आवर कंट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।